सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का जो फ्लैट है उसको लेकर पहले ही बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। 403 अंकिता का था, 404 जो है सुशांत का था, और इस बात को लेकर अब एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल इन दोनों ने एक ही साथ 10 मई को जो है ये फ्लैट खरीदे थे, 10 मई 2013 को, और दोनों ने अलग अलग लोगों से ये फ्लैट खरीदे थे। अंकिता ने भी अपनी सारी जो इतनी भी स्टैम्प ड्यूटी जो ईएमआई करता है, रजिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ उन्होंने अपने पोस्ट पे डाला। ये दोनों ने फ्लैट जो है 1 करोड़ 35 लाख में खरीदा था, और दोनों जो है म्यूचुअल इन लोगों ने बातचीत करके ये दो दो बेडरूम के जो फ्लैट है उसको 4 BHK का फ्लैट बना दिया था। इस तरह की खबर जो है अब आ रही है कि ये जो फ्लैट है ये भले ही अलग अलग खरीदे गए थे, लेकिन दोनों ने ही इस फ्लैट को तोड़कर जो है 4 BHK का एक बड़ा फ्लैट बना लिया था, और जिसमें से एक फ्लैट की ईएमआई सुशांत भरते थे, एक की अंकिता भरती थी। लेकिन जब ये दोनों ही फ्लैट जो है जुड़कर एक बड़ा फ्लैट बना दिया गया एक ही फ्लोर पे, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे आसपास के फ्लैट थे, तो जब सुशांत अपना घर छोड़कर गए यहाँ का, उसके बावजूद जो है वो ये ईएमआई भर रहे थे और अंकिता अपने फ्लैट की ईएमआई भर रही थी। तो इस तरह की खबर आ रही है कि ईडी इस बात की जांच कर रही है कि ये जो फ्लैट है जो सुशांत और अंकिता ने भले ही अलग अलग लिया था लेकिन बाद में जोड़कर एक कर दिया था, क्या उस फ्लैट के पूरा का पूरा ईएमआई क्या सुशांत ने अंकिता को वो फ्लैट बेच दिया था, क्या अंकिता के पास ही इस पूरे फ्लैट का पोजेशन है, या जो 4 BHK इन लोगों ने बनाया था उसका पूरा का पूरा पोजेशन अब अंकिता के पास है, और उसमें जैसे कि पहले था डील थी कि सुशांत पैसे भर रहे थे और अंकिता भी भर रही थी, उसी तरह से जो है ईएमआई जा रहा है, थोड़ा सुशांत भर के अकाउंट से जा रहा है और थोड़ा अंकिता के। इस तरह की जांच जो है अब ईडी करने में लगी हुई है कि क्या भले ही सुशांत ने ये फ्लैट छोड़ दिया था लेकिन इसकी ईएमआई क्या अभी भी सुशांत भर रहे हैं या अंकिता भर रही है, क्योंकि खबर ये आई है अब कि ये जो दो दो BHK के फ्लैट थे इनको तोड़कर जो है एक बड़ा 4 BHK का फ्लैट जो है कर लिया गया था। तो ये जितनी भी कंफ्यूजन हुई है वो इसी बात को लेकर हुई, क्योंकि ईडी जो है बस ये जांच पड़ताल कर रही है कि ये जो दोनों फ्लैट है ये तोड़कर अगर एक किए गए हैं तो इसका पूरा का पूरा ईएमआई जो है अब कौन भर रहा है। हालांकि अंकिता ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि वो जो है अपने फ्लैट का ईएमआई देती है। 1 करोड़ 35 लाख में खरीदा गया था वो फ्लैट जिसकी आज कीमत 2 करोड़ है, लेकिन जब दोनों ही फ्लैट को तोड़कर एक एक बना दिया गया, अब ये जो है पूरा 4 BHK फ्लैट बन चुका है, तब इसकी ईएमआई क्या पूरी की पूरी अंकिता दे रही है, क्या सुशांत ने ये फ्लैट अंकिता को बेच दिया था या अभी भी सुशांत के अकाउंट से पैसे जा रहे थे, इसी बात की जांच जो है अभी ईडी कर रही है।